हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की स्पेशलिटी बाटी और चूरमा की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने ये 2 कप गेहूं का आटा लिया है, जो हमने इस कप से मेजर करके लिया है। 2 कप आटे के साथ में ही ये हम अजवाइन लेंगे। 1/2 टीस्पून हमने अजवाइन लिया है, जिसे हम हाथ पे क्रश करके डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जो मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, और इसमें हम 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने घी लिया है, ये हमने हल्का सा गरम करके लिया है, ये हम 3 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। और अभी हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये मुट्ठी हम ऐसे बांधते हैं, तो इसका ही मतलब है कि इसमें जो हमने घी डाला है वो परफेक्ट क्वांटिटी में है। तो अभी मैं इसमें जो बचा हुआ इंग्रेडिएंट है, सूजी, सिमोलिना, ये मैंने एकदम पतला जो सबसे फाइन रहता है वो लिया है, ये इसमें 1/4 कप ऐड कर लेंगे। तो अभी हम इसमें पानी डाल के आटा गूंद लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें मिक्स करेंगे। मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की कंसिस्टेंसी का आटा हमें लगा के लेना है। अभी हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रखते हैं। आटे को रख के 5 मिनट हो चुके हैं। अभी हम आटा निकाल लेते हैं और एक बार इसे वापस से थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अभी हमारा आटा बहुत अच्छा दिख रहा है, तो थोड़ा सा हाथ पे मैं घी लगा के इसके गोले निकालती हूँ। तो जिस साइज़ की बाटी आपको बनानी है, उस साइज़ का आप गोला लीजिए। इस तरह के गोले हम सब बना लेंगे। अभी मीडियम साइज़ का आटे का गोला आपने लिया तो बाटी बहुत अच्छे से बन जाती है, बहुत बड़ा लिया तो फूल के वो बहुत बड़ी हो जाती है। इस तरह से मैं सभी आटे के गोलियां बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने गोले बना लिए हैं। ये इसमें हमारे 10 गोले बने हैं 2 कप आटे में। गैस ऑन करके उसके ऊपर कुकर हमने रख लिया है। 5 मिनट हमने इसे रखा था गर्म होने के लिए। अभी हमारा कुकर अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम 1-2 चमचे घी डालेंगे नीचे, घी को अच्छे से सब साइड को फैला लेंगे। अभी जो हमने ये आटे की गोलियां बनाई हैं वो हम इसमें डालते हैं। ज़्यादा एट अ टाइम ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि हमें इसे इस तरह से ऐसे हिलाते हुए पकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी वापस से हम इसके ऊपर ये ढक्कन रख देते हैं। मिनट में, हर 2-3 मिनट में हम इसे ऐसे हिलाते हुए पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हम वापस से ढक्कन बाजू में करके इसे हिलाते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, वो कलर इसके ऊपर आ रहा है। सिर्फ इसे हिला के हमें सभी साइड से उसको इस तरह से करना है, और इस सभी प्रोसेस में गैस का फ्लेम जो है वो हमें स्लो पे ही रखना है, ताकि हमारी बाटी नीचे से जले नहीं। तो मैं वापस से इसके ऊपर ढक्कन रख देती हूँ। ढक्कन को हमने लगाया नहीं है, सिर्फ ऊपर से रखा है। ये वापस से 2 मिनट हो चुके हैं,
हम ढक्कन निकाल लेते हैं और इसे हिला देते हैं। पर इस टाइम हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें घी अभी जो हमने डाला था वो यूज़ हो चुका है, पर एक चम्मच घी हम वापस से इनके ऊपर डालेंगे और इसे इस तरह से घुमाते हुए सेकेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बाटी को कितना अच्छा कलर आ रहा है। सिर्फ अभी हमें सभी साइड से ऐसा कलर आना चाहिए उसको, तो मैं वापस से इसे ढक के रखती हूँ। बाटी को पकाते हुए हमें 20 मिनट के आसपास हो चुके हैं। अभी हम ये निकाल के देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी तरह से हमारी बाटी सभी साइड से उसको अच्छे से कलर आ चुका है। और ये जो क्रैक्स आए हैं तो उसका मीनिंग ही ये है कि हमारी बाटी अच्छे से सीख चुकी है। तो अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं और बची हुई बाटी हम इसमें डाल देते हैं सीखने के लिए। बाटी तो हमारी बन चुकी है, तो अभी इसे दो तीन तरह से खाया जाता है। पहले तो आप इसे ऐसे घी में डुबोई के पूरी तरह से ऐसे उसके ऊपर घी डाल के इसे निकाल लीजिए। तो मैं आपको दोनों तीनों तरह के दिखाती हूँ कि कैसे खाया जाता है। गरम गरम ही इसके ऊपर घी डालने से घी इसके अंदर तक जाता है। ये देखिए, वो ये एक तरह से हो गया और दूसरा हम दो बाटी को इसमें डालकर रखेंगे 15-20 मिनट के लिए। हम इसे जब तक कि हमें खाना है हम इसमें ही रहने देंगे इसे घी में। तो आप आपके चॉइस के अनुसार उसे चॉइस कर सकते हैं कि आपको कैसी खानी है। और तीसरे में आपको तल के भी दिखाती हूँ, वो हमारे घर में वैसा प्रीफर किया जाता है, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम ये बाटी के हाफ हाफ पीसेस करेंगे। मैं तल के दिखाती हूँ आपको। अभी जो बाटी हमने हाफ हाफ करके ली है इसको हम इसमें तलने के लिए डालेंगे। आप घी में भी तल सकते हो, मैं तो ऑयल में तल रही हूँ। एक साइड से होने देंगे फिर पलटेंगे। तलने से बाटी एकदम खुशखुशी बन जाती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, एक साइड से हमारी बाटी तल चुकी है, तो हम इसे पलटा देंगे। दूसरी साइड से भी इसे ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है इसके ऊपर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बाटी का। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हमारे बाटी को बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। उससे देख के ही पता चलता है कि ये कितना खुशखुशी बना है, कितना टेस्टी बना है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से बनाने का। बाकी की भी बाटियाँ मैं इस तरह से ही तल के ले लूँगी। ये देखिए, अभी हम चूरमा बनाएंगे। तो चूरमे के लिए मैंने ये दो बाटियाँ, तली हुई बाटियाँ मैंने ली है, तो उसे मिक्सी में से निकाल के लिया है मैंने। आप हाथ से भी चूरा करके ले सकते हो जैसे आपको पसंद है वैसे, पर मिक्सी में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें हम ये 4 टेबलस्पून पाउडर शुगर डालेंगे। आपको जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कीजिए। मैंने ये 4 टेबलस्पून डाला है। इसमें हम ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप आपके चॉइस के अनुसार डालिए, मैंने सिर्फ बादाम लिए हैं। और इसमें हम ये घी डालेंगे। घी भी हम ज़रूरत के अनुसार डालेंगे, जैसा आपको पसंद है वैसा आप डालिए। मैंने पहले 2 टेबलस्पून डाला है, इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, और फिर अगर लगेगा तो और डालूँगी। ये आप हाथ से करते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब सब पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, तो मैं भी हाथ से ही करती हूँ। इसमें आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। देखिए हमारा चूरमा कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ड्राई नहीं लग रहा है, वो बहुत ही अच्छा बना है। तो मैं इसे सर्विंग के बाउल में निकाल लेती हूँ। ये वो बाटी है जिसको हमने सिर्फ घी में डुबो के लिया था और तुरंत बाहर निकाल के लिया था। ये मैंने आधे घंटे घी में डुबो के रखा है
तो ये भी बहुत अच्छी लगती है। और अभी ये भी मैं सर्व कर लेती हूँ। और ये जो हमने ये जो तल के लिया है, ये बहुत ही क्रिस्पी और एकदम से मतलब कुछ बन जाता है, तो इसका टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। पर आप आपके चॉइस के अनुसार बनाइए, जैसे मैंने ये तीन तरीके आपको बताए हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप बनाइए। इसके साथ में मैं हमारे घर में महाराष्ट्रीयन खट्टी मीठी दाल जो है, जिसका रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ये दाल मैंने बनाई है। आप जैसे आपको लगता है वैसी दाल बनाइए। और अगर आपको राजस्थानी टिपिकल जो दाल इसके साथ में बनती है उसकी रेसिपी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए, तो मैं आपको वो भी रेसिपी दे दूँगी। तो ये मेरी जो आज मैंने बनाई है दाल बाटी की रेसिपी, ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।